हेलो विवेक। हेलो और कैसे हो? सर। बस ठीक सर, आप कैसे बोल। और किया कुछ बना? हो? सर ऑलमोस्ट कर लिया है, बस थोड़ा सा करेक्शन करना था एक जगह पे। मुझे खुद पता है वो गलती है। ये पोस्टर बनाया था, ओके ट्रेसिंग की, कुछ कुछ बनाया, कुछ ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग मतलब पेन टूल से, बाइक पेन टूल से बनाई है। नॉट बैड। शेड्स भी दिए हैं। सर ओके किसको टोटल पूरा वो जैसे जैसे जहां जहां शेड था वहां वहां पे। ट्रेस किया? कौन सी इमेज? मिक्स है, ये है जैसे इसमें से ये मोटरसाइकिल और इंडियन लिया, ये वाला और ये वाला, ओके और ये बाइक अच्छा बाइक ही यहां से ली। मल्टीपल सर, एक नहीं बहुत सारी चीज है। जैसे ये वाला, इससे ये लिया, स्पीड, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस ओके okay. सर। बोलो, तुम बोल रहे हो कुछ कमी लग रही है क्या? नहीं सर, इसमें नहीं है वो उसमें थी। मतलब जो स्लाइडर्स है उसमें थोड़ा अच्छा सा। स्लाइडर सा। यस सर, सर इसमें देख सेंटर लो आप, अगर कोई कमी है तो। करना इसको। चीज रुको, एक चीज आइए। चलो बर्ड खुद रिस्क में चाहिए थे। बर्ड भी तुम ट्रेस कर रहे हो जो नीचे ले वो ट्रेस किए हैं। फिर मिल नहीं रहे थे ऐसे, ये वाला स्टाइल के मिल नहीं रहे थे कहीं पे भी। मैंने कोशिश किया, शायद मैं और फॉन्ट देखता तो कोशिश, मगर फिर टाइम ज्यादा लग जाता, तो मैंने फिर ट्रेसिंग ही इसके हिसाब से की कि उसमें मिस्टेक नहीं आए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक लग रही है। जैसे जैसे कि फर्स्ट थिंग जो तुम्हारी है, जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रही है, ठीक है, तुम्हारे जो फॉन्ट्स हैं आपस में नहीं मैच कर रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे डिटेल उनकी। ये जो ये वाला है, ये तो एक ही है, ये वाला मैंने अलग लिया था। वही चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंट अप्रोच कर रहे हैं उससे। जहां तक तुम बट सर जैसे ये वाला है, तो इसमें भी इन्होंने फॉन्ट, मैंने ये देख, मैंने यही देख के लिया था कि मतलब ये वाला फॉन्ट भी वैसे ही है, सेम ही है इंडियन मोटरसाइकिल, क्योंकि ये इसी फॉन्ट में लिखते हैं। इंडियन मोटरसाइकिल जहां पे भी होगा ना, वो यही फॉन्ट यूज करते हैं, इंडियन वाला। उनकी मतलब ये लोगो ही एक तरह से आप मान लो, या जो भी मान लो, पहचान ही है इस चीज की। बट ये जो स्पीड है ये वाली है ना, ये वाला, इसलिए मैंने ये वाला इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने सोचा इसमें तो इन्होंने इस पोस्टर में तो इन्होंने यही यूज किया हुआ है, तो फिर मैं अपने पोस्टर में यूज कर सकता हूँ। वैसे आपने सही बोला, अगर वो मैच नहीं करेगा तो पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, बट अब इस चीज में बहुत ध्यान देते हैं। इसका रीजन एक जैसे ये भी है कि तुम्हारा और वहां पे क्यों नहीं मैच कर रहा। जो तुम देखोगे इस फॉन्ट को, ठीक है, अगर वहां पे देखोगे ये चीज स्मूथ है, वहां पे फॉन्ट तुम्हारा ट्रेस होने के बाद ये रफ हो चुका है, तो रफ जैसी फीलिंग देता है, जो कि जिसकी वजह से ये मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, अच्छा, अगर अगर मैं ये सिंपल फॉन्ट में लिख देता तो वो ठीक रहता है ना, हाँ, क्योंकि सिंपल फॉन्ट में वहां लिखा हुआ है ना। सिंपल फॉन्ट भी मैच कर जाता, ठीक है, ठीक है थोड़ा सर, सा इसको मैं स्मूथ सिंपल है, फॉन्ट में लिख लूंगा। स्मूथ है जिस फॉन्ट होता वो मैच कर जाता। ठीक है सर। वही करूंगा। और बाकी ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट एक चीज है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलो तुम्हारा बोलो। चीजों में, ठीक है, वाई कितनी आउट ऑफ फोकस लग रही है।
हाँ क्योंकि बाकियों का मैंने फॉन्ट जो स्ट्रोक्स है वो हटाया हुआ है और बाइक का स्ट्रोक्स मैंने रखा हुआ था नहीं, लेकिन तुम्हारी इसलिए। तब भी आउट ऑफ फोकस लग रही है, फोकस में नजर नहीं आ रही, मेन एलिमेंट में नजर नहीं आ रही तुम्हारी बाइक, और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड लग रहे हैं। ठीक है, अगर तुम उनके पोस्टर्स देखोगे, ठीक है, जो तुमने एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं, कोई भी पोस्टर उठा लो, इसको छोड़ दो, ये हैवी है काफी, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हैवी हो गया, लेकिन अगर तुम बाकी पोस्टर्स देखोगे तो स्पेसिंग है या चीजों है, ठीक है, जो पास बाइक का आसपास का एरिया है वो इतना बिजी नहीं है, फ्री एरिया है, जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो पा रहा है। तुम्हारे चीज में चीज नहीं आ रही, तो पीछे माउंटेन्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए तुम माउंटेन नहीं, ठीक है, यही सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप है ना, हटा दो। ग्रुप बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक हल्का सा सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, आई एम जस्ट यूजिंग फॉर रेफरेंस, ठीक है, मैं गट नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन लाइक दिस एंड रेडियल, ठीक है, एंड आउटर साइड आई डोंट वांट वाइट आल्सो कलर, एंड ओपेसिटी ऑफ दिस फॉर्म 0, कस्टम ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कीप इट लाइक दिस, ठीक है, अब चाहे तो इसको ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है, इंडियन और बाकी चीजें टॉप पे आएगी, और जो हल्का सा इतना बैक साइड पे और जिसको एक्चुअली कम ऑफिस कलर क्यों चेंज हो रहा है, 20 रख लो। हम तुम्हारा ब्लैक आ रहा है यहाँ पे, ग्रे स्केल ग्रे आ रहा है तुम्हारा कलर जो दिखा रहा है, या मेरी स्क्रीन पे ग्रे आ रहा है, वाइट आ रहा है, ये ग्रे एरिया आ रहा है भाई, जो ग्रे सर्कल एरिया एरिया है। हाँ ग्रे एरिया है। ग्रे आ रहा है, ऐसा क्या दिक्कत होगी, नॉर्मल है, कलर मैंने वाइट लिए थे ना, ग्रेडियंट के वाइट है, ये क्या दिक्कत व्हाइट ही आ रहा है भाई, व्हाइट हाईलाइटेड आ रहा है वैसे। है, नहीं वाइट कलर आ रहा है, ग्रे आ रहा है कलर, सर वो फॉर्म पीछे वाला बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आप ठीक है। फिफ्टी रख लो। ये ग्रे में कर दूंगा, ओके लग के लेंगे तुम, ब्लेंडिंग मोड से प्ले कर लेते हैं, हाँ मैं जस्ट लिटिल बिट स्क्रीन, और ओवरले आई लाइक द स्क्रीन, लोमनेस एवी स्क्रीन इन प्रोडक्शन, नाइस, पूरे के कलर ही खत्म कर रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, कलर खत्म नहीं करना चाहिए, व्हाइट की वॉश आना चाहिए इसके ऊपर, ग्रे हो रहा है ना डर, थोड़ा ब्लूश ब्लूश हो रहा है। आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं ना बाइक को, हाँ जस्ट तो थोड़ा, मैं कब, ठीक है, हाँ तो मैं कल इसको कल आपको ये करके देता हूँ, हाईलाइट थोड़ा सा। ठीक है,
सर मैं माउंटेन्स मैंने इसलिए बनाया कि मैंने सोचा थोड़ा सा माउंटेन्स बना लेता हूँ। मैंने एक जगह पे देखा माउंटेन्स, माउंटेन अच्छे लग अगर रहे हैं। माउंटेन्स नहीं, माउंटेन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, जस्ट बाइक जो तुम्हारा कलर आउट ऑफ है, फोकस जा रही ठीक है, हल्का सा आउट ऑफ फोकस है, ठीक है, कुछ मैं कलर चेंज कर लूँ। डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट कर दे तुम्हारी मैं बाइक को। कलर भी चेंज कर सकता हूँ बाइक का, अगर आप चाहो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बाइक का, शायद अगर रेड या ब्लू या येलो कुछ रखूँ तो शायद फोकस में आए। नहीं वो कर सकते हो, लेकिन अगर ग्रे स्केल रखने जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अगर तुम ग्रे स्केल में भी रख रहे हो तो वो भी तुम्हें हाईलाइट कर रहा है, तो चीजों को मिक्स एंड मैच करके तुम चीजों को सब प्ले करके तो वो हाईलाइटेशन दे देते हो, ठीक है। और नहीं लगना चाहिए जो तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, मैं ऊपर इसलिए रखा हूँ वो एज ए सन की फील दे, ठीक है, मैं नीचे इसलिए नहीं ला रहा था, वो ऐसे काइंड ऑफ हाँ स्काई लाइट आ रही है, ठीक है, मैं माउंटेन के पास से इसलिए ला रहा था उसको स्काई लाइट की तरह दिखे। मतलब स्काईलाइट इस पे आ रही है तो मतलब ये एक यूनिक चीज है, मतलब वो आप वो चीज दिखाना चाह रहे हो। हाँ अब ठीक है ये वाला, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब वो जो लाइट आनी चाहिए थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इसके पूरे फोकस पे आनी चाहिए थी, है ना। हाँ ठीक है, जरूरी ठीक है नहीं मैं है, सर मैं समझ तुम गया आपका वो हल्का सा एरिया आइडिया। भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा हल्का सा एरिया भी फोकस में है तो पूरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। मुझे सर एक और चीज लग रही है, मैंने जो माउंटेन्स बनाए थे ना सर वो मतलब मैंने आप समझ गए ना कैसे बनाए, मतलब ये वाला अलग है और ये वाला अलग पोर्शन है, हाँ ठीक है, समझ लूंगा। जैसे मैंने उसमें बनाए थे वो पहले वाला जो एकदम पहला प्रोजेक्ट आपने देखा था, और यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे मैंने इसको वो कर दिया है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब मर्ज पैरेलल कर दिया है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट और कर ये दिया, वाला पोर्शन, ये वाला, हाँ ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ दोबारा बनाया, फिर ये वाला पोर्शन ही दोबारा यहाँ पे लिखा कोई है, दिक्कत एक नहीं, ही माउंटेन को मैंने 3-4 बार ही लिखा है। तुमने प्ले किया हुआ है वेरिएशन तो दिख नहीं रहा वो, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, बाकी तुम्हारा जो डिजाइन वगैरह है, ठीक है, तुम्हारा वर्किंग है अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक आगे है चलते सर, हैं। डिटेल्स जो तुमने डाली है छोटी छोटी वायरिंग, सर यानी कि एक तो ये करना है, हाँ इसे ठीक करना है ना, और एक यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है ना। ठीक है सर, ये मैं दोनों चीजें कल करके रखता हूँ, आप दिखा दूंगा आपको। और एक चीज और कर सकते हो, वैसे तो ये मॉडर्नाइज स्टाइल का है, ठीक है, क्लासिक स्टाइल जो तुम्हारा था ऐसा ही था, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें रहती थी, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइज लुक देने के लिए एक चीज कर सकते हो, ये जो लोगो है तुम्हारा इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, क्योंकि बहुत यस बड़ा लग रहा है, सर ठीक है, स्पेस नहीं है इसके आसपास। कटोर सर्कल होना चाहिए, यही है, ओके मैं कुछ देख रहा था ये वो सिलेक्ट करेगा तो चलो दिखा कहाँ है सर, नीचे सर्कल नीचे है, ठीक है, मैं नीचे सेंड किया भी था, नहीं दिखा रहा, ग्रुप के अंदर तो नहीं चला गया किसी, तो वो ग्रुप हाईलाइट भी तो होना चाहिए इनको, मैं इसको थोड़ा सा पकड़ता हूँ। हाँ आप देखा, मैं सोचा दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, ये रहा ये क्लिप्स, मैं करता हूँ लॉक। चलो मैं सब करता हूँ सर अपने आप। ठीक है, बाद में कर लेना, ठीक है, दूसरा दिखा यस दो सर, जो बाकी की। यस सर, बाकी सर मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब स्लाइडर्स बनाने का सोचा था। एक तो मैंने इस वे में सोचा था स्लाइडर बनाने का कि जैसे मतलब ये गेम का नाम आ जाएगा, गेम की इमेज, फिर उसका फ्रंट पेज, और फिर कितने की वो आ रही है, एक स्लाइडर ऐसे बनता है, एक स्लाइडर मैंने ये वाला आ गया जिसमें मतलब गेम की इमेज आ जाती है, नाम आ जाता है, रीड मोर आ जाता है, और ये आ जाता है स्लाइडर। ठीक है, एक स्लाइडर सर ये वाला 1 2 3 इधर आ जाता है, फर फ्रंट पे जो मतलब जो क्लिक है वो कलर चेंज होगा, या थोड़ा सा वो ओपेसिटी की कम हो दिखेगी, एंड इसमें आवर गैलरी करके ये वाला,
और एक ये सिंपल। ओके अब मैंने इसी का वेरिएशन बनाया था। सर मैंने अभी इसमें ना जो आपने वो बताई थी ना मुझे वो गाइड्स वाला ग्रिड्स वाला कि मतलब उसके हिसाब से रखना, मैंने अभी इसमें वो नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनकम्प्लीट है, आपने इसमें मेरे को वही मिस्टेक लग रही है बस। बाकी मैंने सर मतलब बनाने की कोशिश की है इसको। ओके आपको पहला वाला ये बनाया मैंने बैटमैन आर्कम वाला नाइट, ये आ गया उसका प्राइसिंग डिटेल्स। और दूसरा मैंने बनाया ये हेलो इन्फेनाइट वाला, ये करके ऐसे। तीसरा मैंने बनाया ये कॉपी वेस्ट की है, कुछ किया बनाया सर क्या किया हुआ है इसमें? हाँ इसमें वर्क क्या किया हुआ क्या सर? इसमें वर्क क्या किया है? हाँ जैसे तुमने इमेज लाई और रख दी है सर, ये स्लाइडर्स तो ऐसे ही बनाएंगे ना और अच्छा। मतलब मुझे मेरे को नहीं मतलब स्लाइडर्स का मेरे को यही आइडिया था, मैंने सर उस हिसाब से बनाया सर। ठीक है बाकी सर जो भी मिस्टेक होगी या जो भी कमी होगी मुझे बता देना। ठीक है दिखाओ। मैंने तो मतलब स्लाइडर्स अगर कोई भी जो भी होगा बता देना, मैं सब से बनाऊंगा सर फिर दोबारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर एक ये बनाया सर मैंने ये 1 2 3 वाला जस्ट फॉर ये वाला। फिर एक ये बनाया इसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया सर मैंने वो सारे, क्योंकि मेन थीम तो हमारा ये तो यही रहेंगे ना, हर साइड का भी साइड तो यही है ना। नहीं, इसको नहीं कह रहा हूँ तो ये सर मैं पीछे इमेजेस रखी। ठीक है मैंने तो मैं कहा था दोनों को यूज करना फोटोशॉप और उसका, तो बहुत सारी चीजें तुमने इसमें छोड़ी हुई हैं। ठीक है पहली बात तो सर्च वगैरह जे जो ऊपर फेसबुक वगैरह एटलीस्ट ये आइकन तो हटा देते, ये तुमने डाले हुए हैं खुद से? ये मैंने खुद से डाले हैं सर, क्योंकि ये मैंने जो रेफरेंस पे मैंने जिस जिस साइट का रेफरेंस लिया हुआ है इसमें उन साइट्स में मतलब जैसे जैसे उन्होंने लेआउट उन्होंने बनाया हुआ है मैंने वो लेआउट ही डाला है। अगर तुम्हारा किसी में अगर ठीक है सुन सर ठीक है अगर तुम्हारा लेआउट एग्जैक्टली वैसा नहीं है ठीक है तो सेम चीजें हमेशा वर्क नहीं करती, तुम्हारा डिजाइन टू डिजाइन चीजें चेंज करती हैं। ठीक है तो कभी भी सेम चीजें रखने की कोशिश मत किया करो, उसको एज अ डिजाइनर की पर्सपेक्टिव से देखो ठीक है और उनको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। ठीक है तुम्हारे इसमें बहुत सारी चीजें खराब लग रही है। ठीक है और ये चीज मेरे को ये बताओ ये इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों है? ठीक है पहली चीज इसमें स्ट्रोक है और इसमें किसी में भी स्ट्रोक नहीं है, हाईलाइट हो रहे हैं अलग से। आप देख रहे उसकी वजह। और सेकंड थिंग जो तुमने क्रिएट की है ठीक है किसी में भी देखा हूँ ये जो नंबर्स होते हैं ठीक है बैनर्स वगैरह या ये चीजें होती हैं जो लास्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट की होती है, क्योंकि जो तुम्हारे बैनर होते हैं ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होते हैं ठीक है तो ये हाईलाइट नहीं रहने चाहिए हमेशा। ठीक है मिनिमम हाईलाइट होने चाहिए। ठीक है ये तुम्हारे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ले रही हैं और बहुत ज्यादा हैवी दिख रहे हैं, तो तुम इनके लिए थिन फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो या कुछ कम अट्रैक्टिव चीजों का यूज कर सकते हो। ठीक है बहुत कम सिचुएशन तुम्हें ऐसी दिखेगी। ठीक है बहुत कम वेबसाइटें ऐसी हैं जहाँ पे तुम्हें हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है जैसे तुम फ्लिपकार्ट वगैरह की है ठीक है उसमें उनके जो पोस्टर्स रहते हैं ठीक है डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट तुम्हारे बैनर्स रहते हैं और वहां पे क्या है हाईलाइट होते हैं। क्यों होते हैं हाईलाइट? वहां पे नंबर्स वगैरह भी हाईलाइट करना एज ए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो टॉप पे बैनर्स पे आती हैं वो डील्स आती हैं। ठीक है लेकिन जो मैक्सिमम तुम्हारे ऐसे बैनर्स रहते हैं ठीक है जैसे इसमें आवर गैलरी वगैरह बाकी चीजें हाईलाइट तो वहां पे इतना ज्यादा बैनर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बैनर्स जस्ट एज ए अट्रैक्शन जनरेटर है। ठीक है बाकी में ठीक है वहां पे इंफॉर्मेटिव है, यहाँ पे अट्रैक्शन जनरेटर है।
ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ठीक है, अट्रैक्शन जनरेटर है, तो वहां पे इतना नंबर्स को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ जी, इसकी ये वाला ठीक है, हेलो इनफिनिट वाला, ये पहला वाला, पहला तुम्हारा इससे आगे है, पहले वाले पे चलो। हाँ ये वाला ठीक है। फर्स्ट थिंग इसमें एक चीज खराब लग रही है कि तुम्हारा पीछे गेमिंग का लोगो आ रहा है और वो पहले तो वो ही कंफ्यूज कर रहा है कि तुम्हारा बैनर कहाँ तक है, ठीक है, और बीच में खराब कर आ रहा है सब कुछ। कौन सा गेमिंग का, ये छोटा वाला पीछे लोगो, लोगो लोगो ये वाला नहीं, ये जो पीछे आ रहा है ये वाला शेडो में आ रहा है ना नीचे बैनर के, शेडो में, अच्छा ये नीचे, अच्छा ये नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ हाँ मुझे भी लग रहा था, ये मुझे भी लग रहा था, मैंने सोचा क्या पता, ठीक है ये नहीं रहा, ये नहीं रखूंगा मैं, ठीक है नहीं, ठीक है। और तुमने इसमें ग्रिड का सिस्टम यूज नहीं किया बैनर रखने का, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही चीज मैंने बताया ना, मैंने ग्रिड नहीं यूज की इसमें अभी, तो मैंने सिर्फ बनाए हैं ये अभी। ओके, तो बना के सर से पूछ लूंगा कि ये ठीक है कि अगर नहीं होंगे तो फिर उस हिसाब से फिर, ठीक है। एक तो और सेकंड थिंग जो मेरे को इसमें दिख रही है, ठीक है, जो अलग से दिख रही है, तुमने इमेज को स्ट्रेच किया हुआ, स्ट्रेच नहीं किया सर, यहाँ से नंबर दिया था 1366500 क्या, जो भी करो हाँ यहाँ उससे भी स्ट्रेच ही होगी, यहाँ से नंबर देके करोगे या सिंपली करोगे हर तरीके से स्ट्रेच होगी, और ये स्ट्रेचिंग दिख रही है तो खराब लग रही है। मुझे भी ये चीज लग रही थी, फील हो रही थी वाले सर। फिर इसके लिए फिर कौन सी इमेज मतलब लेनी चाहिए, इमेज कोई भी लो लेकिन क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, सिर्फ इतना ही एरिया दिखाओ, या तो बैनर का साइज बड़ा कर लो या तो, ठीक है, तुम्हारा उसका साइज देख लो इमेज का, ठीक है। अच्छा मतलब ये ठीक है समझ गया ठीक है सर, वही करता हूँ, क्योंकि हाँ मुझे भी लग रहा है स्ट्रेच लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है। जैसे ऐसे ये वाली पूरी है और इसलिए अच्छी लग रही है, बट ये इसमें सर, ये तो मुझे भी गलती समझ रही है, उसको मुझे भी गलत लग रही थी ये, बट मैंने सोचा क्या पता शायद, ठीक है सर। सेकंड थिंग है इसमें तुम्हारे हीरो एलिमेंट्स नहीं, ठीक है, तुम मैंने क्या कहा था, अगर तुम किसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो सिर्फ हाईलाइट करो उस चीज को, ठीक है, खत्म मत करो, तुमने इसमें चीजें खत्म कर दी है, ठीक है। इसमें तुम क्या करना चाह रहे हो, बैनर का मीनिंग क्या है इसका, इस बैनर के लिए क्यों क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें बुक बेचनी है, आउटपुट तुम्हारी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, गेम है, बुक है, सेम ही थिंग है, ठीक है, तो वो बेचनी है, बिकेगी कब, जब वो चीज हाईलाइट होगी, ठीक है। तुम्हारे इसमें ये चीज हाईलाइट ही नहीं हो रही, ठीक है, तो कोई खरीदेगा कैसे, ये क्या दिक्कत है, क्या क्या किया होगा तुमने इसमें, प्ले विथ सडन थिंग्स, ठीक है, जिससे चीजें तुम्हारी हाईलाइट्स हो, ठीक है, जरूरी है तुम्हें एज इट इज चीजें रखनी है जैसी है, ठीक है, चीजों के साथ प्ले कर सकते हो, चीजों के साथ थोड़ा बहुत कलर्स प्ले करो, ठीक है, इमेजेस के साथ प्ले करो तो वो चीजें दिखें, ठीक है, अब दिखना स्टार्ट होगी तुम्हारे बुक्स को भी हाईलाइट होना स्टार्ट, ठीक है। ऑल्सो इसमें जो चीज मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो है तुम्हारे प्राइस, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, तुमने टेक्स्ट भी स्ट्रेच किया हुआ है, नहीं कौन सा फॉन्ट लिखा हुआ है, एरियल 18 और
देयर इज योर करेक्टर पैनल। एरियल 18। वाइट हो गया ना वो। And don't use Arial's font. Arial थोड़ा सा out of focus font हो चुका है। वो group में जा रहा है, वो group में जा रहा है। वाला group में क्या हुआ है क्या? ये सारा एक group में है और ये अलग अलग है क्या? कब मैं आपको दिखा के देता हूँ। अबे कैसे क्या उड़ गया? आपको क्या करना था? ये सेट करना था ना? छोड़ दो, मैं कभी कर लेता हूँ। ग्रुप सिलेक्शन टूल एंड डोंट यूज, ट्राई टू यूज एरियल, क्योंकि एरियल पुराने टाइप का फॉन्ट हो गया। ठीक है, और मैंने तुम्हें कहा था इसके लिए try something different upon. Yeah, I like these fonts. Yes. तो जो font choose करते हो उससे भी बहुत effect पड़ता है तुम्हारे design में। ठीक है, fonts वगैरह attractive वगैरह choose किया करो। अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, तुम्हारा डॉलर का साइन बहुत बड़ा हो जा रहा है, जबकि तुम्हारा हाईलाइट जो चीज होनी चाहिए प्राइस होना चाहिए, ना कि डॉलर। तो आई लाइक टू कीप इट हाफ ऑफ दिस साइज 24। तुमने कुछ चीजें ग्रुप की हुई है, कुछ ग्रुप नहीं की हुई है, क्या किया हुआ है तुमने? ठीक है, एंड आई लाइक टू मेक ऑल दिस ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन ग्रुप होगा नहीं, क्योंकि वो दिक्कत वही है ना, अलग अलग लेयर। कट कर लो, ठीक है, कट कर लो। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल जी। ठीक है, तो ग्रुप हो गया ना। ओके, तो आई लाइक टू गिव हिम सम ड्रॉप शैडोस। अगर तुम ड्रॉप शैडो पर है और इफेक्ट्स कहाँ गया? स्टाइलाइज ऊपर ऊपर सबसे। ठीक है, ड्रॉप शैडो एंड प्रीवियस, and I like to give him screen color and not black. सर इसमें कैसे यूज कर सकते हैं वो? क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर मुझे मैन्युअली यहाँ से करना हो, मतलब यहाँ से मुझे अगर कलर उठाना हो तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? किसका? ड्रॉप शैडो के लिए स्क्रीन। हाँ ठीक है, उसके लिए तुम्हें पहले स्वेचेस बनाने पड़ेगी। स्वेचेस बनाना बताए थे ना? अच्छा, इसमें स्वेचेस बनाऊंगा, उसमें इजी है सर, उसमें हमेशा जब भी वर्क करना हो स्वेचेस बना के ही वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, प्रॉपर वेब डिजाइनिंग करने के लिए स्वेचेस ही बना के वर्क करोगे। ठीक है, तो बिना स्वेचेस के कभी वर्क नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में कलर पूछूं तो तुम्हें कलर ही नहीं पता चलेंगे, कितना ज्यादा इसमें वो डाल के रखा होता है। इतने ऑप्शन एक साथ समझ में आते हैं तुम्हें? आपको स्वेचेस देखने हैं? नहीं, मेरे को स्वेचेस नहीं देखने हैं, मेरे को
अपीयरेंस पैनल ढूंढ रहे अपीयरेंस पैनल ढूंढ रहे कहां पे अपीयरेंस पैनल तुम्हारा ये ढूंढ लेते ओके इसको छोड़ना है यहाँ पे ऊपर रखा थोड़ा मेरे को नीचे नहीं रखने होता ठीक है यहीं पे रहने दो ठीक है तो मैंने सभी इधर रख लिया हुआ I like to keep it like this or maybe keep it normal 75% yep and offset not that much by offset also maybe 3 pixels blur around little bit though okay तो इसका तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं था कि ये चीजें तुम ठीक है अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे डिफिकल्ट है तुम बैनर्स वगैरह फोटोशॉप में भी बना सकते हो एंड आई लाइक टू कीप इट सेपरेट कलर ओह सॉरी Maybe just this, and I'd like to keep it in sorry black color, which is around bleed this one darker color. So try to bring interest in things. ठीक है? Okay, यहाँ पे भी ग्रुप है. यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं रखा गया तुम्हारा? तो ये व्हाइट बॉक्स क्यों लिया हुआ है? अगर आर्टबोर्ड है, कोई मीनिंग है? व्हाइट बॉक्स उसके लिए दिया हुआ है. नहीं, वो पहले वाले का लिया हुआ था सर. वो जब मैंने लोगो लिया हुआ था, वो पीछे जो उसका है वो. हाँ. Okay. वो आपने बोला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा था अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसका बच गया. यस सर. तो समथिंग बेटर लगना स्टार्ट हो गया. यस सर. ठीक है, तो चीजों को सोचा करो कि किस तरीके. अच्छा, आपने ये मुझे स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही बताया था कि कहीं ना कहीं जो इमेज होती है उसको कहीं ना कहीं जो साइड का आपने मेन कलर दिया हुआ है उससे थोड़ा सा मैच करना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी. ठीक है. यस सर. तो मेरा सारा इसमें हाइलाइटिंग वही चीज चल रही है. तो ये इमेज को फिर मतलब ये जो हमने मतलब ये जो स्ट्रेच हुई है ये स्ट्रेच खत्म करनी है ना. ठीक है, अगर तुम्हें इतने ही साइज की इमेज चाहिए कोई दिक्कत नहीं है. मैं अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पे स्ट्रेच कर रहा हूँ. कंट्रोल टू लॉक कर लेते हैं इसको. इमेज क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही तुम्हारी? वो क्योंकि लॉक्ड है वो इमेज. में हमेशा इमेज लॉक्ड रखता हूँ. अब ये लो. कौन सा काम पे करो? ये है ना. ठीक है, अनलॉक. ये नहीं, यही इमेज है ना. रुको, सेव करने दो. कर दे अनलॉक. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं. हमने तो दूसरा पेज सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो इमेज सबसे नीचे होगी. अच्छा, यही है ना. नहीं, ये नहीं. इधर है इमेज यार. ये है क्या? हाँ, ये लॉक. ये आ गया. ठीक है, तो तुम्हारी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ. अब अच्छी रहेगी वो. ठीक है. आई थिंक ये साइज है इसका. ठीक है. लेकिन जो हमें चाहिए, हमें जस्ट इतना चाहिए राउंडली. ठीक है, तो इसको राइट क्लिक कर कर तुम चाहो तो मैं एक क्लिक कर लो. ठीक है. अच्छी बात. ग्रीन कलर. सॉरी,
ठीक है, अब इसका कलर का फायदा नहीं होगा, मेरे को इमेज की ओपेसिटी कम करना पड़ेगी, और न्यू एक और डाल लेते हैं। चेक पॉइंट टू बी 50%, मोड इज गोइंग टू बी कलर, तो बैक टू द सिग्नल, वही चीज है लेकिन जस्ट ठीक है, थिकनेस तुम्हारी इतनी ही है लेकिन स्टाइलाइजेशन समथिंग बेटर होना स्टार्ट हो गई। यस सर, एंड वन मोर थिंग जो तुम्हारे इसमें कमी है, ठीक है, दीज आर तुम्हारे दो, ये तुमने बने हैं सर, हमारी भाषा में बोलते हैं टूंडे, मतलब इनके हाथ टूटे होते हैं, एक हाथ टेढ़ा होता है, एक हाथ टेढ़ा होता है, वो मतलब सीधा बना ही नहीं, वो टेढ़ा ही बना है। डेंटल तक ना है ये, स्ट्रोक उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है, अच्छा जैसा भी, ठीक है, तुम चाहे तो एरोस का भी यूज कर सकते हैं, एरोस का मतलब का ये एरो होते हैं ना, अच्छा हाँ यार बताओ, ठीक है, सर ये तो वो बात आ गई कि अब क्या बोलूं सर मैं, अब कुछ मत बोलो, जो दिखा रहा हूँ वो देख लो, ठीक है, I like to keep it a bit less highlighted around two bits of, yes sir, so now it's giving some elegance, maybe a little bit, also want to decrease their opacity which is around 2B 60, रुको सर, वही कहाँ गया, सॉरी सर मैंने माउस पकड़ा नहीं है तो हो गया, मेरे को बता दिए अगर जब माउस पकड़ते हो छोड़ दो, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर, बता दूंगा सर, नेक्स्ट तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, इसमें ये सर्कल्स ऐड किए हैं और रीड मोड, या इट्स लुकिंग लाइक नाइस, ठीक है, इसमें नहीं कह सकता मैं कुछ कमी वगैरह है, ठीक है, फर्स्ट हैंड पे तो इसका कुछ भी हाइलाइट नहीं है, बस एरोस वगैरह थोड़े से कम हाइलाइटेड हूँ, वही चीज जो पहले की, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा जब, ठीक है, जब माउस ओवर होगा इसके ऊपर, कोई माउस लेके जाएगा तो जी जितने हाईलाइट है इतने हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब पहले रहेगा तब थोड़े से कम हाईलाइट रहेंगे, ठीक है सर, आई ओवरऑल लाइक दिस, चलो जस्ट अगर कुछ प्ले कर सके तो मे बी, जिससे मैं प्ले करना चाहूँ, जस्ट बटन कलर, just want to give him more interesting look, ठीक है, अच्छा है सर, red important है, important ही है सर, ठीक है, तो अगर important है तो go with something brighter color जो ज़्यादा highlights हो, सर, इसकी जो image है उसके साथ उसको भी थोड़ा थोड़ा color देना है green, या ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें मैंने टी कलर इसलिए दिया, ठीक है, इसलिए ग्रीन कलर दिया क्योंकि उसका जो चीज हमारी हाईलाइट करनी थी, ठीक है, वो चीज ऊपर के नहीं आ रही थी, ठीक है, जो बुक्स थी, तुम बुक्स को देख सकते हो, मैंने कोई कलर नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ मैंने पीछे वाली इमेज को दिया, यहाँ पे मेरे को कोई चीज हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग से, तो वी कैन लीव इट ऑन इट्स ऑन कलर, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका सेकंड बैनर रहेगा वो भी तुम्हारा समथिंग इसी टाइप के बॉश में रहेगा,
कलर भी है भी, मतलब कंट्रास्ट और ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस लगभग सिमिलर होना चाहिए ताकि। सर मैंने इसकी जो ब्राइटनेस है वो सर इतनी रखी है, इस हिसाब से रखी है, इसकी ब्राइटनेस मैंने कम रखी है, 79 है, क्योंकि इसकी भी मैंने उसकी मैं चलो मैंने फिर भी कम इसकी मैंने कम रखी, क्योंकि अगर मैं इसकी फुल रखता ना सर तो ये मुझे नहीं लगता इतना अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत ठीक था, बट मैंने इसकी कम 79 वाला ठीक था ना सर। ठीक है, जरूरी नहीं तुम ओपेसिटी के साथ ही प्ले करो, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं तो मैं पहले कहा कि फोटोशॉप के साथ इमेज प्ले करोगे तो समय आएगा, लेकिन यू कैन प्ले विद लाइक ग्रेड, आई लाइक टू गिव हिम, ठीक है, इफ आई लाइक टू गिव हिम सम बॉक्सेस फॉर दैट एंड मे बी सम ग्रेडियंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई थिंक, and like to give him some white and dark color and let's give him I'm just giving some opacity and let's make it green and just blend it. तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ें प्ले कर सकते हो कि तुम्हारी हाईलाइट चीजें ना खत्म हो। मैंने इस तरीके का क्या दिया, ठीक है, व्हाइट टॉप इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारा लोगो ब्लैक था और क्या हो रहा था पीछे भी ब्लैक कलर था, वो चीजें खत्म कर देता था लोगो को, तो इस तरह मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए जस्ट उसके पीछे, ठीक है, व्हाइट कलर की शेडर्स से भी, बाकी तुम्हारा जितना भी है वाइटर है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, और मोर मैंने स्क्रीन रखा हुआ है तो ब्लैक एरिया पे कोई असर ही नहीं करेगा वो, ठीक है, ब्राइटर एरिया से। यस सर, आई थिंक इट्स सो थैंक्स। सबसे खराब लग रहा है मेरे को दिस वन तुम्हारा, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। मैं एक चीज के लिए कहूं तो सब भी हो, ठीक है, नहीं आप बोलो जो भी चीज खराब है आप दिखाओगे। जैसे तुम्हारा फर्स्ट तो टॉप पे ही गड़बड़े हैं, ठीक है, तो मैं टॉप से ही लेना स्टार्ट करूं, वैसे तो इसमें भी वही गड़बड़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्योंकि ओपन स्पेस है तो इतना दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बिजी स्पेस है तो वो चीज दिख रही है सा, ठीक है, स्पेस बार क्लिक करना यहाँ पे, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दिया, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे गड़बड़े क्या है, पहले तो तुम्हारे पास जहाँ पे बहुत सारे तुमने कलर्स फेंके हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत खराब लग रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज तो वही है। सेकंड थिंग, तुम्हारे यहाँ पे अगर कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलरफुल है उसके ऊपर तुम कलरफुल आइकन स्टाल हो गए तो वो कभी भी बेटर नहीं लगेंगे, ठीक है, अनटिल वो तुम किसी तरीके से अलग हाईलाइट कर दो और गिविंग हिम सम बाउंड्रीज एवरी सिंगल कलर, मुझे सर थोड़ी सी गड़बड़ लगी क्योंकि इमेज कलरिंग बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है, इमेज अच्छी है, इमेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
आई लाइक द इमेज, बस इसको तुम्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो सेम तरीके से लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या ग्रुप है क्या? तुम सिंपली 1 2 3 लिख सकते थे एक ही लाइन में। ओके तो लेट्स सेलेक्ट दिस वंस। अभी क्या है, ये ब्रेक कर दिए क्या, एक्सपेंड कर दिया था इनको? नहीं यहाँ से ये टेक्स्ट नहीं है, ये बढ़ाया था। रुको दिखाओ यार, ये टेक्स्ट है ही नहीं है अभी। ये टेक्स्ट नहीं है, ये तो इसको मैंने वो कर दिया था एक्सपेंड किया, मतलब एक्सपेंड नहीं, वो एक ऑप्शन आया था सर, जैसे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है ना सर, तो मैं यहाँ क्रिएट आउटलाइन है। हाँ क्रिएट आउटलाइन से। Don't try that. Yeah. Text tool. 1, 2, 3, 4. सर उससे कर लो, ओके सो विल कीप इट अराउंड हियर, ओके एंड आई लाइक टू प्लेस इट। रोलर्स बताए थे ना, बताए थे रोलर्स? यस सर। कीप देम ऑन अलाइन, सेम तरीके से आई लाइक टू कीप देम ऑल्सो अलाइंड। I'm choosing a box for this one. Maybe I chose the same box for this one. अब बात आती है तुम्हारे these texts की, ठीक है? वही गड़बड़ है जो मैंने पहले कहा, ठीक है? तुमने बहुत ज्यादा हैवी और सिंपल टेक्स्ट चूज कर लिया है, ठीक है? डोंट गो विद दैट। अगर तुम बैनर्स वगैरह बना रहे हो, आई जस्ट लाइक टू गिव हिम सम स्टाइलाइज़ेस, मे बी आई लाइक टू गो विद समथिंग। That's an interesting point. And just want to give him and maybe something fold for taking some instructions. And just want to keep this font. Sorry. This font little bit bigger, 76 maybe 99 बहुत ज़्यादा हो गया, 89 रख लो,
And I like to give him just maybe gradient. And just like this, I just like to give him start point. So first thing, I like reverse gradient and maybe chill here. Yeah. And simply go for this one, selecting opacity and multiply. Or maybe this. मेरा जो साइबर पंक वाला वो जो था वो उसके साथ ना मैच हो रहा था, वो लग ही नहीं रहा था, वो अलग से लिखा हुआ, वो लग रहा था कि ठीक है, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर हाईलाइट में नहीं करना, एटलीस्ट तुम्हारा क्या लग रहा था, जंबल हो गए थे, ठीक है, पोर्शन दिख ही नहीं रहे थे कि कौन सा पोर्शन अलग है, ठीक है, कि रीडिंग करने में मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि कहां से रीड करना स्टार्ट कर रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो चुका था सब कुछ, ठीक है, and this one I like to keep this font, ठीक है, जो कि हमारा टॉप का फॉन्ट है, सॉरी, this font साइज में भी वही चाहिए जो मैंने तुमने रखा था, क्या साइज रखा था, तो इतना ज्यादा चंबल हो गया मेरे को, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है, 36 अराउंड ले, एंड आई कैन लीव इट लाइक दिस, और अगर मेरे को इसको बटन को हाईलाइट करना ही है तो वी कैन प्ले विद सर्टेन थिंग्स, आई लाइक टू गिव हिम सम अंडरलाइंस फॉर दैट Artropo, maybe just looking our Artropo color, maybe size for 3 pixels, and rounded corners. Okay. Or maybe I can choose also green color for this one. सर इसका भी रीड मोर, जैसे वो रीड मोर वाला था पिछले वाले में, पहले हेलो वाले में, पहले वाले में वैसे कर ले, व्हाइट रख ले बीच में और रेड कलर रख ले, ठीक है, वो तुम्हारी वो ऐसी ही चल रहा है, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है तुम कितना हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें मल्टीपल बेस बता रहा क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, आई कैन ऑल्सो के चाहो तो मैं हल्का सा इसको आउटलाइन दे दो सकता हूँ, ओह सॉरी कलर चीज के पीछे आउटलाइन आ गई, आउटलाइन एंड व्हिच इज आल्सो अगेन 3 पिक्सल्स कर रहे एंड वी कैन आई लाइक दिस कलर मे बी आई डोंट नो बाय बट आई लव दिस शाइनिंग कलर, ठीक है, लेकिन तुम नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, सर वो नीचे वाला वो अच्छा नहीं लग रहा ये, हाँ बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, मेरे को इतना पसंद नहीं है, तुम्हें अगर पसंद है तुम रख सकते हो, ठीक है, मेरे को इतने हाइलाइटेड कलर्स पसंद नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, ये एच आवर के लिए ठीक है, ठीक है, अगर माउस ऊपर जाएगा
तब इस कलर में हो जाए। डिफॉल्ट ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। और आउटलाइन भी ब्लैक अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन वेज से तुम चीजों को देखा करोगे कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है, सर देखो यहाँ पे मुझे ये जो साइट में जैसे मैंने ये जो अगर आप मुझे एज ए सैंपल दे दो बहुत सारा ढूंढ के तो मैं वो चाहे आप जितने भी दोगे मैं उतने सैंपल्स बनाऊंगा। और आप मुझे टाइम दे दो कितने दिन के अंदर जो बनाने हैं, दो दिन के अंदर बनाने हैं, जितने सैंपल्स होंगे मैं उसके सैंपल बनाऊंगा। उठाए हैं ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो कि तुम वर्क नहीं करना चाहते, यहाँ तक मेरे को दिखा तुम कुछ वर्क नहीं करते हो। जस्ट इमेज उठाते हो, चिपका देते, ठीक है कहते हो सर हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने चीजों को हाईलाइट, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं भी कोई फाइनल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी मेरे को भी पसंद आ रहे हूँ, मैं क्या पता कल देखू मेरे को खुद का डिजाइन पसंद नहीं आए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट गोइंग विद एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसी कारण डिजाइनिंग में फेज होते हैं डिफरेंट टाइप के, तुम प्ले कर सको। ठीक है, और तुम्हें बताया था ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, फिर तुम उसको भूल जाओ। एटलीस्ट ग्रेड नहीं, भूला नहीं करना, ग्रेड नहीं करना, एटलीस्ट विजुअली तो चीजों को अच्छा एक जैसे अलाइनमेंट दे दो। ठीक है, वो तो तुम बॉब नहीं करते। ठीक है, ग्रेड सिस्टम ही करना चाहिए, वो ग्रेड सिस्टम ही करना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँ वही मैंने चीज सर, क्योंकि सर एक दिन तो परसों तो पूरे दिन लाइट ही नहीं रही सर। क्या है कंप्लेंट, इसलिए मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा था, मगर मैं बोला था इसलिए मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि कंप्लेंट करने से बंदा भागता है, मुझे भागना नहीं है सर, मुझे करनी है चीज, तो इसलिए मैं बोल रहा था कंप्लीट नहीं हुआ। बस मैंने थोड़ा सा ये लेआउट ऐसे ही रफली बनाया है सर। ठीक है, तो लाइक ठीक है चीजों में थोड़ा अलाइनमेंट रखोगे तो अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटर स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा सच दिखाऊं, हाँ बेटा ये था तुम्हारा सच। ठीक है सर, मैंने कुछ साइट्स में ऐसी सर्च देखा था, यो सर्च को थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट बोल रहे हैं मेरे मुंह से निकल रहा हाईलाइट, पर उन्होंने सर्च इतना ही रखा होता है। हाईलाइट तुम्हारा भी हाईलाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, फुल स्लाइडर भी सर्च होते हैं। ठीक है, तुम्हारे जितना बड़े जी है इतने बड़े भी सर्च रख सकते हो। ठीक है, जितना बड़ा जी है, ठीक है, इसके नीचे तुम रखना चाहो फुल स्लाइडर में स्ट्रेच रख सकते हो। ठीक है, उसकी दिक्कत वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से ठीक है ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ब्रेक कर सके। ठीक है, पहले तुम ठीक है चीजों को, इसको कहते हैं ठीक है रूल्स। ठीक है, रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, लेकिन तुम्हें पहले रूल्स पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, बहुत बार हम वेब डिजाइनिंग में रूल्स ब्रेक करते हैं, मैंने तुम्हें ग्रेड सिस्टम बताया होगा। बहुत बार हम डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रेड सिस्टम को भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, लेकिन yes, पहले ग्रेड सिस्टम से वर्क करना सीखोगे तो तब भी ब्रेक कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वन, लेट्स ट्राई दिस वन। इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज पता नहीं कैसे छोड़ देते हो तुम। ओहो, ओके हाँ इट्स समथिंग बेटर। ठीक है, लेकिन अब जो तुम्हारा पोस्टर है ठीक है इसमें बहुत सारी गड़बड़। ठीक है, अब तक जितने पोस्टर थे वहां पे तो चलो ठीक था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है? कि जो तुम्हारे मेन चीज दिखानी है वो ही नहीं दिख रही। ठीक है, क्या हो रहा है? तुम्हारे एक्टर्स के फेस कट रहे हैं। डोंट गो विद दैट। ये डाउनलोड किया था
ना सर, डाउनलोडेड है सर। आई लाइक टू कीप इट डाउन, ठीक है, इसको मैं ऊपर रखना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे एक्सेस के स्पेस वगैरह जो मेन है वो हाइड हो रही। अगर बड़ी होती है मेरी, जो ऊपर स्पेस होता मेरे पास, तब बात कुछ अलग होती। तो अगर तुम दिखाना ही चाहते हो कि हम बात रिप्रेजेंट करना ही चाहते हो कि ओके ये फुल ही है, तो तुम्हें जस्ट बी निकालना पड़ेगा वो, ठीक है। I like to keep it like this and add a sum of boxes maybe around so and gradient sorry fill on top to bottom I think and this one goes with the opposite which is 0 and all that is it. Now it's still looking, ठीक है, वही चीज है जो तुमने किया था, लेकिन इस पर मैं जस्ट हल्का सा ट्रिकिंग प्ले कर रहा हूँ। नहीं है इमेज, मेक इट। यस सर। सेकंड थिंग, आई डोंट लाइक देयर इज सम लेटर्स जो पहले के रिटन है, तो जी मैं कोशिश करता कि व्हाट्सएप से हटा देता, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत गलत जगह पे कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे होते यहाँ पे होते ठीक है, ठीक है, हमारे मेनू वर्क से कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। और मे बी आई लाइक टू गिव ट्राई सम ट्रिक्स, लेट्स ट्राई ग्रेडियंट, दिस टाइम आई डोंट वांट लाइक दिस, not more than that, maybe just fly. लेकिन दिक्कत यही है कि टॉप से हाईलाइट हो जाएगा। हाँ वो अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं इमेज ही कर देता हूँ, इमेज दूसरी डाउनलोड कर लें इसके एवेंजर्स की। ठीक है, हो गया, ठीक है, जस्ट हल्का सा मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, ठीक है, I'm just making it like this, ठीक है, and lastly ऐसे कुछ और चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। एंड दीज आर सर्टन वेज जो तुमने चीजें लिखी हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास इतनी स्पेस है डोंट गो एंड मेक इट सॉलिड, ट्राई टू कीप इन ओपन स्पेस, ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस दो जिससे तुम्हारी चीजें ज्यादा बेटर लगे। How to maybe keep it around here. और जो स्पेसिंग देते हो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाते हो थोड़े से बड़े रखा करो, जिनसे उसमें ब्रीथेबल स्पेस करो, ठीक है, डिजाइनिंग की भाषा वो रहे। तुम्हारे जो ये जो स्क्वायर्स होते हैं इनमें ब्रीथेबल स्पेस नहीं रहती,
ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। इसमें भी वही तुम्हारा फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ठीक है अगर तुम इतने बड़े ही रखना चाह रहे हो यू कैन गो विद दैट, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड से थोड़े से डिफरेंट दिख सके हैं तो ट्राई विद गो दैट। तो उसके लिए हम स्टाइलाइज अगेन क्रॉप शैडोस प्रीवियस एंड आई डोंट वांट इट येलो कलर, maybe I'll like white, not white, black, yeah, all kinds of black and maybe 4 pixels. और ये आइकन तुमने डाले थे ऊपर बहुत खराब लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की हुई है जैसा चला है, ठीक है। एक तो तुम्हारे जितने भी आइकन हैं अलग अलग टाइप के आइकन हैं, ऐसा क्यों? फेसबुक का अलग है, ट्विटर का अलग है, मैं टाइप की बात सर मास्किंग की, मास्क टाइप मतलब कलर अलग अलग है, मास्किंग मास्किंग ये सर। मास्किंग क्यों है? एक तो उनको बेचारों को सांस लेन दिया करो, तुम सांस बंद कर देते हो सभी चीजों का। ओके एंड ट्राई टू मेक इट कॉन्स्टेंट, that's my place. तरीके से टेम्परेरी कोई भी इसको ठीक है गोले में बनाना है, ठीक है, सर्कल में करना है, जरूरी नहीं सर्कल में करो, ठीक है, लेकिन सभी की शेप लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारा ये स्क्वायर में था, ये हल्के से राउंडेड रेक्टेंगल में थे, ठीक है, और तुम राउंडेड में करना चाहो तो राउंडेड में ही रख सकते हो सर्वी को, ठीक है, लाइक
समथिंग इस तरह के थे, क्योंकि फेसबुक जो था तो हमारा आइकन अलग से दिख रहा था, डिफरेंट टाइप का। I like to keep it sizes. फेसबुक कहीं और से लिया था आइकन, बाकी दोनों एक ही जगह से लिए थे? नहीं, सारे से एक ही जगह से हैं। फेसबुक का अलग क्यों दिख रहा है तुम्हारा? I don't know. ठीक है, तुम्हारा फेसबुक अलग दिख रहा था, that's why I trying to that. वैसे तो इसका स्केयर दिख रहा है अच्छा ही। Let's try that. कहाँ गया फेसबुक आइकन? ओके, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा अच्छा नहीं है ना, डिलीट कर दिया था मैंने। कंट्रोल एक्स, गॉट इट। एंड ओके, इसमें तुम्हारा कंफर्ट, एक तो पहली बात तो ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, जैसे नो है, लेट्स मेक इट इक्वल डिस्टेंस। ये क्या दिक्कत है? दो सिलेक्ट किया है ना आपने? और वो वाला भी कर लो, सर्च वाला भी। नहीं हो सकता वो इनके साथ सिलेक्ट, वो अलग से ही आएगा क्योंकि उसकी शेप डिफरेंट है, शेप सेम करनी पड़ेगी उसकी भी। अच्छा वो कर लेना। हैंग कर रहा है। ओके, तो little bit smaller. And I don't keep it. अगर ऐसा ही रखना चाह रहे हो तो try to give him some drop shadow वगैरह, जिससे ये थोड़ा सा लगे कि फ्रंट में है। ठीक है, दोनों में से जो भी चीज तुम फ्रंट में दिखाना चाहो
अगर आइकन दिखाना चाहते हो तो समथिंग ओवरलैप कर सकते हो, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ा सा उभर के आए। ठीक है, हमारी जो चीजें थी बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रही हो जाती है। चलो तो समझ में आया कि क्या कर सकते हो तुम। यस सर। ठीक है, चीजों को भरने के लिए। ठीक है, सबसे मेन चीज है अट्रैक्टिव कैसे दिखाते हो। ठीक है, बाकी चीजें अभी और बाकी चीजों पे बाद में फोकस करना, सबसे पहले ही इस चीज पे फोकस करो। सर मुझे आप ना सैंपल के लिए दे दो कुछ, काफी सारे मतलब ऐसे ही स्लाइडर्स बनाने के लिए। तुमने डाउनलोड किए थे सारे? ठीक है, ठीक है, तुम्हें नेट पे कहा था सर्च करना स्लाइडर्स करके, तुम्हें बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेन चीज तुम जो चीज देखनी होती है कलर्स वगैरह देखने, जैसे ये देखो तुम्हारा यही स्लाइड देखो, इसमें तुम्हारा सेम थीम ऑफ कलर यूज किया गया है। ठीक है, तुम्हारे बटन्स पे देखोगे तुम्हारा सेम टाइप ऑफ हाइलाइटेड कलर चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें अलग से दिख रही हैं। ठीक है, कोई चीज मिक्स नहीं हो रही। ठीक है, सारी चीजें इजीली रीडेबल है। देख रहे हो? ठीक है, हमारी चीजें रीडेबिलिटी खत्म कर देती है। लाइक यही है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट डाल दिया ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज रेडिश कलर का देख रहे पीछे, जिसकी वजह से सारी चीजें तुम्हारी हाईलाइट हो रही है। जरूरी है तुम्हें पूरी की पूरी इमेज ऐसे दिखानी। ठीक है, उन चीजों को हटा के तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, हर इमेज का दिखाने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, और तुम्हारी साइड के हिसाब से चीजें चेंज होती है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे हाईलाइट कर सकते हो। ओके, मैं कहूंगा कि सभी में सेम अप्रोच यूज होती है? नहीं होती, हर किसी में तुम्हारी डिफरेंट अप्रोच यूज होती है। क्लियर? ठीक है, यस सर। और ऐसा कोई नहीं है कि बैनर के स्टाइल्स होते हैं, तुम्हारे दो ही टाइप के बैनर होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे पिक्चर साइट में होते हैं, एक तो तुम्हारा होता है, ठीक है, जो तुम्हारा ग्रिड सिस्टम के हिसाब से डिजाइन होता है, यानी कि तुम्हारे ग्रिड के अंदर ही रहता है, और सेकंड होता है जो बैनर होता है वो फुल पेज होता है। ठीक है, यानी कि वो जे जो तुमने बनाए हैं बैनर, ठीक है, जे अलग जे हो गया। ठीक है, इसके बजाय जितने भी बैनर हैं, जस्ट फर्स्ट वन को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, ये फुल पेज बैनर होते हैं। ठीक है, ये साइज चेंजेबल साइज होता है इनका, इनका फिक्स साइज नहीं होता। ठीक है, जितना तुम साइज छोटा करते आओगे उसके हिसाब से इसका साइज छोटा होता है। ओके, ऐसा। और दूसरे होते हैं तुम्हारे ग्रिड सिस्टम, जो कि तुम्हारी सिर्फ वेबसाइट के साइज के होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक किस्म के बैनर्स होते हैं, लाइक जैसे ये कभी भी बाहर नहीं जाते तुम्हारे वेबसाइट पे। अरेंज सेंड टू बैग, क्या दिक्कत है तुम्हारे इसमें? सेंड टू बैग भी काम नहीं करता क्या? नहीं,
इन बैनर्स के नीचे तुम्हारा हमेशा ठीक है कोई ना कोई कलर रहता है, ठीक है किसी भी टाइप का कलर हो सकता है जो मैंने लिया, लाइट ग्रेडियंट्स हो सकते हैं, सॉलिड कलर हो सकते हैं। दूसरे तौर पे हम जब वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं टू कलर्स ही प्रेफर करते हैं ग्रेडियंट लेने के लिए। और ओरिजिनल जीरो डिग्री एंड दिस वन वाज एंड दिस कलर सो ओनली दिस कलर ओके यस सर। तो मेनली तुम्हारे ये याद रखो कि दो टाइप के तुम्हारे बैनर्स होते हैं, ईकम में जो तुम्हारे यूज होते हैं ये तुम्हारे साइड है ठीक है, जो तुम्हें फ्लिपकार्ट वगैरह साइट पे देखोगे वो तुम्हारे मैक्सिमम तुम्हारी वेबसाइट के साइज के होते ठीक है, लेकिन जैसे तुमने गेमिंग साइट्स के देखे थे ठीक है जैसे ये है ये फुल ठीक है फुल पेज बैनर का तो या अच्छे लगते हैं फुल पेज बैनर भी लेकिन नॉट ऑलवेज बोरिंग है सारी की सारी वेबसाइट सर आप क्या बोलते हैं ऐसे गूगल पे सर्च कीजिए तो उस पे मुझे मतलब जो आज का प्रोजेक्ट देना है सर वो दे दीजिए। आज के लिए तो तुम्हारा यही प्रोजेक्ट है ठीक है, वापिस से तुम बैलेंस में लाओगे लेकिन इस बार समय के हो इंटरेस्टिंग एलिमेंट कैसे करने हैं ठीक है, और फोटोशॉप और दोनों को इस्तेमाल करो ठीक है, बट लेआउट तो दो बता दो ना ठीक है, अभी लेआउट लेआउट यही चार ठीक है इसी लेआउट पे ही ट्राई करो ठीक है जो तुमने लेआउट बनाया हुआ है इसी पे ही वर्क करो ठीक है, अब इसको इम्प्रूव ठीक है इम्प्रूव करो, तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स देखो ठीक है, ठीक है गूगल पर सर्च करोगे तो मैं बहुत सारी बात ठीक है बस सर ठीक है लाइक तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स मिल जाएंगे ठीक है, उनसे आइडियाज लो ठीक है और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने इसको इम्प्रूव करना है और इसको ऑर्गेनाइज करना है 12 ग्रिड सिस्टम के हिसाब से करूंगा, हम ग्रिड के हिसाब से करो ठीक है, बैनर्स नहीं रहेंगे ठीक है, बैनर्स हमारे जैसे जो फुल स्क्रीन बैनर्स हैं वो हमेशा रहेंगे लेकिन जो तुम्हारी अंदर का कंटेंट्स है ठीक है आइकन्स हो गए तुम्हारे ये चीजें होंगी वो सारी उसके हिसाब से रहेगी और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ ग्रिड के हिसाब से ठीक है, स्पेसिंग वगैरह ठीक है ठीक होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी इम्प्रूवमेंट्स करो, ठीक है ठीक है। और बैनर्स अगर चाहिए कैंपस के लिए तो अच्छा, तुम्हारे मेरा ये बटन आता रहता है, इसको मूव कैसे करते हैं? इसको नेविगेशन वाला जो आ रहा होता है, या जो ऊपर वाला आ रहा है? हाँ हाइडर, हाँ नीचे एक बटन होगा उसको क्लिक कर दो, वो हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो गया। वन सेकेंड, तुम्हारे स्क्रीन से ही एग्जिट हो गया। हाँ चलेगा टीम जो, ओके तो दस मिनट और जाना है। कुछ एग्जांपल्स देखो लाइक दीज वंस, ठीक है, तुम्हारे वेब बैनर्स कैसे होते हैं? ठीक है, हमेशा मैक्सिमम क्लीन ही बैनर्स रहते हैं तुम्हारे, ठीक है, कोई भी तुम बैनर देखोगे वो तुम्हारे क्लीन रहते हैं, देख रहे हैं? ओवरलोडेड नहीं होते, ठीक है, तुम्हारी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, चाहे तो तुम कलर की मदद से ब्रेक करो, चाहे तुम शेप्स की मदद से ब्रेक करो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारा चीजें डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, ठीक है, हाइलाइटिंग तो मेन चीज, यही चीज तुम से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, जो टेक्स्ट है तुम्हारे, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए, वो सेम लेवल की ब्राइटनेस पे रीडेबल रहना चाहिए, और तुम्हारी इमेज भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें सेम इम्पोर्टेंट पर रहनी चाहिए, ठीक है सर। तो फिलहाल कल मेरे को ये करके बताओ वापिस से कनेक्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं, आज कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना कुछ
है।